स्टार्ट हो गया। ओके, वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर टू स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर उदित वीर सिंह राजपूत एंड वी आर स्टडीइंग फिश गियर प्रोटेक्शन सब्जेक्ट। दिस वेयर द 5 यूनिट डिस्कशन आई हैव ऑलरेडी डन। दिस आर द 5 यूनिट डिस्कशन आई हैव ऑलरेडी डन and today we will be starting this unit number 1. So let's move to unit number 1. Okay, so this is unit number 1 and what is the discussion today I will be telling you. So let me highlight this. So this is unit number 1. And in unit number 1, we are dealing with this first term, first word, and this is the fault analysis. Okay? And you can clearly see in this fault analysis word, it is mentioned here, analysis of power system by symmetrical component. It means what I want to tell you is that terminology is about the fault. That the fault is divided into two parts. दो पार्ट में फॉल्ट को डिवाइड किया गया है, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। तो सबसे पहला पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट फॉल्ट एनालिसिस। ये देखो इंट्रोडक्शन, तो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप फॉल्ट, क्या होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉल्ट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉल्ट व्हिच कैन अकर ऑन एनी ट्रांसमिशन लाइन। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में दो टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। तो जो अनबैल उनका एक बैलेंस्ड का नाम होता है सिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड का नाम होता है एसिमेट्रिकल। ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब हो गया आपका बैलेंस्ड फॉल्ट और एसिमेट्रिकल का मतलब हो गया अनबैलेंस्ड फॉल्ट। यहाँ पर आप पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हो अपने कॉपी पे और आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉल्ट, हाँ, अब यहाँ पर जो बैलेंस्ड फॉल्ट है, मोस्ट ऑफ द फॉल्ट पावर सिस्टम आर नॉट द बैलेंस्ड थ्री फेज फॉल्ट बट द अनबैलेंस्ड फॉल्ट। ये बात बिल्कुल सही है। जो भी फॉल्ट हमारे सिस्टम में आते हैं, 70 to 80% फॉल्ट जो है वो एसिमेट्रिकल फॉल्ट है। ये जो एसिमेट्रिकल फॉल्ट है वो ही है मैक्सिमम 70 to 80%। और जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है वो बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो दे आर वेरी 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 सीवियर, ये बहुत सीवियर फॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो फॉल्ट्स कैन बी कैटेगराइज यहाँ पे किया है शंट एंड सीरीज, लेकिन अभी हमने सिर्फ दो ही तरीके से पढ़ रहे हैं इसको, पूरा ऐसे मत पढ़िए इसको। पढ़ेंगे व्हाट आर फॉल्ट्स, तो देयर आर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फॉल्ट, देयर टू टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, दो टाइप के फॉल्ट है, वन इज योर सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अदर वन इज योर एसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल को बैलेंस बोलेंगे, एसिमेट्रिकल को अनबैलेंस बोलेंगे। सिमेट्रिकल जो है बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है तो इट इज वेरी वेरी सीवियर, और एसिमेट्रिकल 70 to 80% में एसिमेट्रिकल ही होती है। एसिमेट्रिकल में अभी से बता देता हूँ, जैसे पेड़ गिर जाना किसी वायर पे, एक वायर का टूट जाना, एक दो वायर आपस में टच हो जाना, यानी कि कैटेगरी अभी डिफाइन होगी अगले स्लाइड पर, लाइन से लाइन टच हो जाना वगैरह वगैरह भी आपको पता चलेगा। तो अभी तक जितना बता दिया मैंने वो क्लियर है, सिमेट्रिकल बहुत सीवियर है और बहुत कम होती है। एसिमेट्रिकल इट इज नॉट दैट मच सीवियर, लेकिन ये होती रहती है 70 to 80% केसेस में वो। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन आप लिखी है इसमें ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फॉल्ट में एक्चुअली जो शंट फॉल्ट है ये हमें पढ़ना है। ये ओपन सीरीज फॉल्ट का मतलब होता है ओपन सर्किटेड फॉल्ट, आप इसमें से खुद देख लीजिएगा, थ्योरी पोर्शन मैंने लिखा हुआ है जानबूझ के, दिस आई गिवन टू फॉर्म अ नोट्स। और यहाँ पर जो शंट फॉल्ट है ये है इम्पोर्टेंट, क्या देखो, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, और ये डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट, ये सब अभी आपको पढ़ना है। टेक अ पॉज एंड इसको देख सकते हो आप इसकी डेफिनेशन क्या है। और इन दिस टाइप ऑफ फॉल्ट एग्जिस्ट व्हेन वन फेज, जैसे पहले सीरीज फॉल्ट को देख लेते हैं। सीरीज फॉल्ट रिप्रेजेंट ओपन कंडक्टर एंड टेक प्लेस व्हेन अनबैलेंस्ड सीरीज इंपेडेंस। टू एग्जांपल फॉल्ट्स ओनली वन टू, ये ठीक है, ये ओपन सर्किटेड फॉल्ट्स हैं। ये जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। शंट फॉल्ट्स के बारे में रीड करिए, शंट फॉल्ट्स का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअली जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, ये दोनों सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो,
ये दोनों के दोनों शंट फॉल्ट के अंदर में आ रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल के अंदर में क्या क्या आ रहा है वो बताता हूँ, और एसिमेट्रिकल मतलब एसिमेट्रिकल वो फॉल्ट थे ना, एसिमेट्रिकल कौन से फॉल्ट थे, एसिमेट्रिकल फॉल्ट वो थे जो बहुत ज्यादा 70-80% है, यानी कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, और नेक्स्ट पे चलता हूँ, यहाँ देखो ऐसे। ओके, सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब समझते हैं, एसिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब समझते हैं। जब लाइन टू लाइन तीनों नाम एक साथ आ रहा है, याद करने के लिए बता देता हूँ, ट्रिपल लाइन फॉल्ट होगा या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड होगा। इसका मतलब पीछे स्लाइड के, पीछे स्लाइड के देखते हैं। सपोज करिए ये तीनों वायर है, ये 1 2 3 वायर सब कोई है, 3 फेज लाइन, और अगर ये तीनों के तीनों गिर जाए, ग्राउंड पर आ जाए, जमीन पर आ जाए, तो दिस इज नोन एज ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और या तो तीनों शॉर्ट हो जाए, ग्राउंड पे ना गिरे, तो दिस इज नोन एज ट्रिपल लाइन फॉल्ट। तो ऐसी कंडीशन के फॉल्ट को जहां तीनों फेज इन्वॉल्व है, दिस टाइप ऑफ फॉल्ट विल बी नोन एज योर सिमेट्रिकल फॉल्ट। आप ये बहुत सीवियर फॉल्ट है, दिस इज वेरी वेरी सीवियर फॉल्ट, ये बहुत सीवियर है। और ये फॉल्ट जो होती है वो 5 to 10% केसेस में बहुत मुश्किल से आती है, और अच्छी बात है। और जो एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं वो क्या है आपका, ये देखो आपके 3 फेजेस हैं, ए बी एंड सी। 3 फेज में से कोई एक फेज अगर ग्राउंड को टच हो जाए, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, तो नोन एज लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू ग्राउंड। और जो लाइन टू ग्राउंड है ना, बहुत कॉमन है, देखो 65 to 70% केसेस में दिस फॉल्ट इज कमिंग। अगर दो फेज ए और बी टकरा जाए तो एल टू एल और एल टू एल टू जी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज, एल टू एल टू जी, एल टू एल, एल टू जी। ये तीन टाइप के जो फॉल्ट्स हैं ये होते हैं एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड और ट्रिपल लाइन होते हैं आपके सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। और एसिमेट्रिकल को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड, और सिमेट्रिकल को बोलते हैं बैलेंस्ड, और ये सब कुछ आता है शंट फॉल्ट्स के अंदर। तो ये आपकी फॉल्ट्स की टोटल पिक्चर हो गई, है ना। अब अगर हम अपने बैक स्लाइड पर जाएं, ये वाले डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में इट विल बी क्लियर टू यू ऑल कि ये कंडक्टर, दिस कंडक्टर इज टेकिंग दिस करंट, दिस कंडक्टर इज टेकिंग द करंट, दिस कंडक्टर इज आल्सो कैरिंग करंट। अगर ये दोनों टकराएंगे तो कौन सा फॉल्ट कहलाएगा, लाइन टू लाइन। अब हर बार इतना बड़ा ऐसा डायग्राम तो बनाएंगे नहीं टीचर्स, तो टीचर्स रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को कैसे, इन द फॉर्म ऑफ फ्रंट प्रोजेक्शन, फ्रंट वायर। ये वायर है, ये सीधा जा रहा है, अगर सीधा मतलब इट इज लाइक दिस, तो इसका अगर हम फ्रंट व्यू लें तो ये वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, अदर वायर विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, अदर वायर विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3 फेज लाइन, सिंगल फेज लाइन का भी, 3 फेज लाइन का भी, यू कैन रिप्रेजेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको लेकिन अपने दिमाग की पिक्चर क्लियर रखनी है कि अगर ये दोनों टकरा रहे हैं तो इट इज लाइन टू लाइन, अगर ये टूटकर जमीन पे गिर रहा है तो इट इज लाइन टू ग्राउंड, अगर ये दोनों टकरा के जमीन पर गिर रहे हैं तो इट इज लाइन टू ग्राउंड, एल टू एल टू जी। तो ये तीनों, ये तीन कैटेगरी का की हो गई, ये तीन कैटेगरी हो गई एसिमेट्रिकल फॉल्ट की और साथ में अनबैलेंस्ड फॉल्ट की। और अगर ये तीनों टकरा कर, तीनों आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है, बैलेंस्ड फॉल्ट है, और तीनों टकरा कर इफ दे आर फॉलिंग डाउन इट इज आल्सो सिमेट्रिकल एंड बैलेंस्ड फॉल्ट। तो ये तीनों के तीन, दोनों के दोनों केस हो सकते हैं, और ये सब कुछ आता है काहे में, शंट फॉल्ट के अंदर। और इनका रिप्रेजेंटेशन आपने यहाँ पर इस स्लाइड में देख लिया है। ओके, और कुछ थ्योरी भी गिवन है यहाँ पर, देखिए दीज आर वेरी सीवियर, एंड यहाँ पर नीचे देखिए, These are very severe faults and occur infrequently. Infrequently में बहुत कम होते हैं। Only 2 to 5% of system faults are symmetrical faults. ठीक है? और line to ground fault जब चाहे उठा रहता है, जो छोटी सी बिजली कड़कने से या vibrations आने से या हवा चलने से वायर टकरा जाते हैं, तो line to ground fault it is common. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ ये क्लासिफिकेशन आता है, व्हाट इज सिमेट्रिकल व्हाट इज एसिमेट्रिकल। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, इफ यू विल सी इन द जेबी गुप्ता बुक, तब आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अब जब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं तो यूनिट नंबर 1 में न्यूमेरिकल्स आएंगे। आरजीबीपी में अभी तक जो मैंने अभी 10 मिनट में यूनिट लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा दिया, क्या क्या क्वेश्चन डेवलप हो रहा है देखो,
डिफरेंशिएट सीरीज एंड शंट फॉल्ट ये आ चुका है, और हाउ फॉल्ट्स आर क्लासिफाइड एक्सप्लेन सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल को एक्सप्लेन करने बोला है, हो सकता है एसिमेट्रिकल बोल दें, तो वो आपके पास यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, ये आपके पास पूरी डेफिनेशंस भी है, और इन डेफिनेशंस को आप यूज करके एक अपना पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पॉज लेके आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, सो नाउ मूविंग मूविंग अहेड, ठीक है, ये हो गया। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, सेकेंड पार्ट आ गया हमारा यूनिट में, पर यूनिट सिस्टम, ये अब हम पढ़ेंगे पर यूनिट सिस्टम। आई होप फॉल्ट आप समझ गए हैं, फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट आप सिमेट्रिक फॉल्ट आर क्लासिफाइड एज सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब और इसमें मैं समझा चुका हूं। अब देखो पर यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पर यूनिट वैल्यू, ये मैं आपको समझाता हूं। एक चार्ट भी दिया हुआ है मैंने पावर का, ये सारी बातें भी आपको समझ में आने वाली है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वांटिटी इन पर यूनिट, कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है एक्चुअल क्वांटिटी की डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल क्वांटिटी क्या होती है और ये बेस वैल्यू क्या होती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने कुछ कुछ शब्द पढ़े हैं, शब्द मतलब टेक्निकल टेक्निकलिटी। ये सपोज कीजिए कि एक जनरेटर है, इफ दिस इज अ जनरेटर, ये जनरेटर क्या कर रहा है बताइए, ये जनरेटर पावर जनरेट कर रहा है, इट इज जनरेटिंग पावर। तो क्या ये अकेला रियल पावर जनरेट कर रहा है, नहीं, इससे ऑटोमेटिकली क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है, इसलिए इससे रिएक्टिव पावर भी जनरेट हो रहा होगा। तो इन दोनों के जब हम मिक्सचर को लिखते हैं तो हम बोलते हैं इट इज जनरेटिंग अ कॉम्प्लेक्स पावर एस। एस को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज एपरेंट पावर, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यू आर इन सेवेंथ सेमेस्टर, जिसकी वैल्यू होती है पी प्लस जे क्यू। ओके, और क्या जानते हैं कि ये जनरेटर पावर जनरेट कर रहा है, साथ साथ कितने वोल्टेज पर जनरेट कर रहा है, कितने वोल्टेज पर, ये भी हमें मालूम होना चाहिए कितने वोल्टेज पर जनरेट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो एक्टिव पावर है और ये जो रिएक्टिव पावर है, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर जनरेटर का कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा, कुछ रिएक्टेंस होगा ग्राउंड से कनेक्टेड, कुछ रिएक्टेंस हो सकता है, या इसका खुद का कुछ इंपीडेंस होगा ना, तभी तो क्यों आ रहा है, क्यों नहीं तो क्यों होता है ना। और क्यों की वजह ये है ना कि रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों है, रेजिस्टेंस को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं तो हम रिएक्टेंस मान लेते हैं, वैसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हम अगर हम रिएक्टेंस रेजिस्टेंस मान लें तो चलो ठीक है, हमने बोल दिया चलो इंपीडेंस होगा जेड, रेजिस्टेंस भी ले लिया, चलो आपकी खुशी के लिए मैंने रेजिस्टेंस भी ले लिया, जनरेटर का रेजिस्टेंस आर होगा, इंडक्टेंस एक्स होगा, ये क्यों होगा, ये मालूम होगा आपको, तो जेड। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी निकल के आ रही है किसी भी चीज के बारे में, अगर हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी बात करें, अगर ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी बात करें तो ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या होगा, जैसे करंट जाएगा तो उसमें भी जेड होगा, वहां पर भी जेड होगा, ठीक है, उसमें कुछ करंट होगा। तो नई नई चीजें नहीं सीख रहा है, हमें सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है, हमें समझना है कि अब आपके जिंदगी में कुछ शब्द आ रहे हैं, एक है एस यानी कि कॉम्प्लेक्स पावर, एक होता है करंट ये आप जानते हो, एक होता है वोल्टेज ये आप जानते हो, और एक होता है इंपीडेंस, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पावर एस है, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है, इसकी ब्रांचेस है पी और क्यू। इस पी और क्यू को आप अभी भूल जाइए, एक्टिव और रिएक्टिव पावर को भूल जाइए, आप बस याद रखिए ये चार चीजें, ये दीज फोर थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स पावर, करंट, वोल्टेज एंड इंपीडेंस, ठीक है। और इनका आपस में फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तो अब ये इसलिए मैंने गिवन किया है, आपको कंफ्यूज नहीं हो। अगर आपसे कोई पूछे कि पावर का फॉर्मूला बताओ तो पावर में आप फटाक से पी लिखने की कोशिश करोगे, देखो मैंने भी करी, तो आप एस लिखने की कोशिश करो पावर को। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वोल्टेज इंटू करंट होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं इंपीडेंस के टर्म में बताओ, करंट के टर्म्स में लिखा, बोलोगे बी स्क्वायर बाय जेड होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इंपीडेंस का फॉर्मूला बताओ तो आप पावर और वोल्टेज के हिसाब से तो आप बोलोगे
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मान लो ये के बी स्क्वायर बाय आर, तो वह आर को इम्पीडेंस समझो ना, तो बी स्क्वायर बाय आर पावर का हो गया और इम्पीडेंस का हो गया बी स्क्वायर बाय पी। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय पी, यानी कि बी स्क्वायर बाय जेड का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बाय एस। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, तो अब हमें ये चार चीजों पे फोकस करना शुरू है। देखो एस पर यूनिट, बी पर यूनिट, आई पर यूनिट, जेड पर यूनिट, और क्वांटिटी इन पर यूनिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। अभी तक कुछ कुछ क्लियर हुआ है, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, ये समझो कि अभी से प्रत्येक क्लियर हुआ है तुमको कि ये चार क्वांटिटी के बारे में सर अभी पढ़ाने वाले हैं, एस आई बी और जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पर यूनिट की डेफिनेशन क्या है, कुछ एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है ना, अब अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है, एक क्वेश्चन में आपको यूं ही दे रहा हूँ, फाइंड द पर यूनिट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, फाइंड द पर यूनिट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज का पर यूनिट वैल्यू पता करो, अगर एक्चुअल वैल्यू है 15 और बेस वैल्यू है 100। सपोज ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाए आपको लिखा हुआ, तो आप कितने खुश हो जाओगे ना, पर यूनिट ऑफ बी पता करना है, अगर एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है 15 और बेस वैल्यू है आपका 100, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे ना, और ये वाला फॉर्मूला ये, तो क्या होगा पर यूनिट 15/100 यानी कि 0.15, दिस विल बी द पर यूनिट वैल्यू। यही आ जाएगा कि नहीं सॉल्व होगे, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अगर कई बार ये जो चीजें गिवन है यहाँ पर, एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू, अगर ये गिवन नहीं होती है, सपोज करो ये गिवन नहीं है आपको, तो क्या करेंगे अपन, फिर तो होगी ना प्रॉब्लम। ओके, तो एक्चुअल वैल्यू हो गया यहाँ पे, अब आप समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट, मैं तो बताना चाह रहा हूं एस, अब एक्चुअल क्वांटिटी गिवन थी, बेस वैल्यू गिवन थी, तो आपने आंसर निकाल दिया। अब अगर गिवन नहीं है तो क्या करना, पहले उसके लिए हमें समझना होगा बेस वैल्यू क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट, ये चार चीजों में से एस पर यूनिट निकालना रहेगा, बी पर यूनिट निकालना रहेगा, आई पर यूनिट, जेड पर यूनिट, चार चीजों में से आप फॉर्मूला देखो सबके डिनोमिनेटर में क्या है, एस बेस, एस बी, बी बी, आई बी और जेड बी। तो हमेशा याद रखो आगे से लाइफ में कभी भी ये एस बी और बी बी हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या आप अज्यूम कर सकते हैं, आपको हमेशा फाइंड करना रहेगा आई बी एंड जेड बी। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट नाउ इज आई बेस एंड जेड बेस। आई बेस का फॉर्मूला क्या होगा और जेड बेस का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें निकालना है। आप बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पावर और वोल्टेज, ये पावर एस बेस और बी बेस गिवन है तो क्या आई बेस नहीं निकल सकता, तो आई बेस का फॉर्मूला हो जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज, यानी केवीए बेस अपॉन ए। ये बेस के लिए गिवन होगा, जो चीज गिवन है उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो अगर ये चीज आपको गिवन रहेगी तो यू कैन कैलकुलेट इट इजीली, तो ये आपको गिवन रहेगी क्वांटिटी। ओके, और अब जब बेस निकल आया तो पर यूनिट नहीं निकाल सकते क्या, देखो फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आई पर यूनिट का आई डिवाइडेड बाय आई बेस, और आई बेस क्या है, आई बेस क्या है, आई बेस था बेस करंट, ये बेस करंट कैसे निकला, ये निकला बेस करंट जो गिवन है वहां से निकालना, और एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी, अगर हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ देखो सेकंड सेकंड स्टेज में बेस इंपीडेंस, तो बेस इंपीडेंस कैसे निकलता है, आप यह फॉर्मूला देखो यहाँ पर बी स्क्वायर बाय पी, ये ऊपर ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला बी स्क्वायर बाय पी, अभी मैंने समझाया भी था, तो बी स्क्वायर बाय एस, तो बी स्क्वायर बाय एस से हम जेड बेस निकाल सकते हैं। ये अभी देखो ये चीज दिखी ना, जेड पर यूनिट, Z डिवाइडेड बाय Z बेस लिखी हुई है, तो Z तो क्वेश्चन में जो भी होगा गिवन होगा, पर यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले Z बेस भी निकालना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा, अगर ये आ रहा है कि सर पावर बेस और वोल्टेज बेस भी निकालना पड़ सकता है क्या कभी, तो बिल्कुल नहीं, ये आपको गिवन होगा तभी तो कुछ तो गिवन होगा, तब तो कुछ और फाइंड आउट करेंगे, ये चीजें आपको गिवन होगी।
और आप निकालेंगे ये एस बेस, ये जेड बेस निकालेंगे, फिर आपको जेड गिवन होगा, फिर पर यूनिट निकलेगा। मतलब जेड बेस निकालना भी टास्क होता है। तो जेड बेस कैसे निकलता है? जेड बेस निकलता है बी स्क्वायर बाई बी, यानी कि देखो बी स्क्वायर ये है बेस, बेस इंपीडेंस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। और इससे जब जेड बेस निकल जाएगा तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन में। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पॉज लेके, और मैं आपको इसका पूरा ये यहाँ पे सॉल्यूशन आ चुका है एक्चुअली, ये सॉल्यूशन मैं इसको आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से, इससे आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप इसको पढ़िए आराम से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे हो तो क्या लिखा है देखो पढ़िए। मैं इसको स्लाइड शो में कर दूं। ओके, सो लेट मी टेक दिस पेन। तो देखो अ सिंपल पावर सिस्टम इज शोन इन द फिगर 2.22। ओके, दिस सिस्टम कंटेन्स अ 480 वोल्ट जनरेटर। एक्चुअली ये वाला जो डायग्राम है ये पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला डायग्राम। ये सपोज कीजिए ये जनरेटर है जो कि 480 वोल्ट का है, ठीक है, ये 480 वोल्टेज का जनरेशन कर रहा है, ठीक है, और फिर कनेक्टेड टू एन आइडियल 1/10 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक फिर ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब यहाँ ये रहा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसका रेशियो हो गया 1:10, फिर ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई, फिर एक और ट्रांसफार्मर हो गया स्टेप डाउन हो रहा है ये 20:120/1, ये स्टेप अप हो गया स्टेप डाउन हो गया, एंड द इंपीडेंस ऑफ द लोड, ये जो जनरेटर G2 है, ये जनरेटर G2 नहीं है, ये लोड है, ये लोड है 10 एंगल 30 डिग्री, मतलब 10 एंगल 30 डिग्री इसका इंपीडेंस हो गया। ओके, और द बेस वैल्यू फॉर दिस सिस्टम आर चूजन टू बी 480 वोल्ट 10 kVA। देखो ये चीज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगी, समझ आ रहा है आपको ये बात? आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही है। ओके, तो ये बात समझ में आ रही होगी शायद आपको। चलिए ओके, तो शायद कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, लेट अस सी। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये जनरेटर है, ये लोड है, लोड का ये इम्पीडेंस है, मतलब अगर अपन से बोला गया है जेड पर यूनिट निकालो, सपोज तो जेड लोड आपको गिवन है 10 एंगल 30, तो जेड ओरिजिनल आपको गिवन है, अब आपको जेड बेस चाहिए, यानी यहाँ इस जगह पर पहले तो ये समझना होगा इस पूरे पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में कितने रीजन है स्टूडेंट। तो देखो जनरेटर है, फिर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, मतलब पावर जनरेट होके जा रहा है, फिर ट्रांसमिशन लाइन से पहुंच रहा है, उसके बाद लोड तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो ये तीन रीजन हो गए। तो यहाँ अगर इसको इजीली समझा जाए तो 480 वोल्ट है, फिर 1:10 के मतलब 10 टाइम्स वोल्टेज हो गया यहाँ पर, यहाँ पर कितना वोल्टेज हो गया बताओ, यहाँ हो गया 4800, ये हो गया कि नहीं, 480 वोल्ट है 10 टाइम्स हो गया 4800 हो गया। अब 4800 आ रहा है, फिर 20:1 मतलब 20 टाइम्स कम हो गया, मतलब यहाँ पर कितना वोल्टेज हो गया 240 वोल्ट हो गया, ये 240 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है जेड वो कितना है 20+60 जी, इसको अपन 10 एंगल 30 वाले पोलर फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो इसी में लिखा रहने दो। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बेस वैल्यू क्या गिवन है? 480 वोल्ट गिवन है और 10 kVA गिवन है, मतलब एस बेस गिवन है और अपन को बी बेस गिवन है, ये दो चीजें अपन को गिवन है। और कितने रीजन है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तीन रीजन है, एक फर्स्ट रीजन, एक सेकेंड रीजन और एक थर्ड रीजन। तीन क्यों, क्यों ये तीन रीजन है? ये इसलिए तीन रीजन है, ये तीन रीजन इसलिए है क्योंकि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है, यहाँ पर स्टेप अप हो रहा है और यहाँ पर स्टेप डाउन हो रहा है। चलो तो ये पूछा, देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द बेस वोल्टेज,
करेंट, इम्पीडेंस एंड अपेरेंट पावर एट एवरी पॉइंट इन द पावर सिस्टम। ठीक है, तो देखो एस बेस तो अपन को गिवन हुआ है 10 kVA, ये हो गया 10 kVA। वी बेस अपन को कितना गिवन है, 480 वोल्ट, तो ये भी 480 वोल्ट गिवन। अब अपन को क्या पता करना है वो देखो, यहाँ पर रीजन नंबर 1 में बताओ वी बेस यहाँ पर कितना है मेरा, वी बेस यहाँ पे है मेरा 480। ठीक है, और आप देखो जनरेटर के वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 480। तो एक्चुअल वैल्यू है 480 और बेस वोल्टेज हमें जो दिया गया है वो है 480। तो यहाँ पर यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, वीजी की, वी पर यूनिट फर्स्ट रीजन में हो जाएगा 1 480 डिवाइडेड बाय 480, यानी एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस, तो ये हो जाएगा 1.0 पर यूनिट। ये आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअली अगर यहाँ पर सपोज करो ये द बेस वैल्यू फॉर द सिस्टम आर चूजन टू बी, ये लिखा है, अगर मान लो यहाँ 960 लिखा होता तो हम क्या करते, 480 एक्चुअल डिवाइडेड बाय वीबी 960 करते तो 2 पर यूनिट आता। लेकिन ये दोनों एक ही चीज दी हुई है, तो ये पहला वी यहाँ निकल आया 1 पर यूनिट। उसके बाद अब सेकेंड के फेज में अपन अंदर जाएंगे, तो यहाँ देखो अब यहाँ पर आ गए, इस साइड हमारा वोल्टेज कितना हो गया 480 से 4800, 4800 हो गया। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगा है। तो अब इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी है बताओ, इम्पीडेंस की वैल्यू है 20 + 60j, तो जेड ओरिजिनल की वैल्यू गिवन है अपन को कितनी, 20 + ये मुझे यहाँ लिख देना जी, 20 + 60j, ये है जेड ओरिजिनल। अब जेड बेस क्या है, इसके नीचे आएगा जेड बेस, जेड बेस का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, v² / r, यानी v² / बताओ v कितना है, यहाँ पर v है 4800, तो 4800 स्क्वायर, 4800 स्क्वायर बाय पावर p, p कितना है अपन को 10 kVA, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 v² / हाँ 10 kVA। तो इसको आप 10 kVA v² / p को आप सॉल्व करिए, यहाँ आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जेड बेस की वैल्यू मिलेगी, ये जो है 10 kVA है ना, तो v² / p इस फॉर्मूले को आप लगा के सॉल्व करेंगे तो जेड बेस मिलेगा, और इस जेड बेस को जो आप यहाँ पर कर देंगे तो आपको मिलेगा जेड पर यूनिट वैल्यू यहाँ पे जो आएगी। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, जो आपका जेड बेस है वो आएगा मेरे हिसाब से 23.04 ओम्स है, और इसको फिर आपको उससे डिवाइड करना रहेगा। मैं इस तरीके से खोल लेता हूँ उसको, तो रीजन ये है कि यहाँ पे कैलकुलेटर में खोल रहा हूँ, देखिए ये कैलकुलेटर हो गया, स्क्वायर 4800 मैंने किया है, मैंने अभी आपको बताया 4800 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पी। ओके, तो 4800 तो ये आ जाएगा 2304, ये आ गया आपका 2304, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय पी करेंगे, यानी पी कितना हो गया, एस बेस मतलब हो गया 10,000, 10 kVA ना 10,000, तो ये हो गया 2304 ओम्स। यहाँ आ गया जेड बेस की वैल्यू आ गई 2304 ओम्स। अब ये आपको जेड बेस निकल आया, यहाँ पे आप जेड पर यूनिट यहाँ निकाल पाएंगे। ओके, समझ आ गया होगा आपको, तो ये चीज यहाँ समझ में आ गई होगी, ये पेन आई शुड टेक इट अगेन। देखो कहने का मतलब ये क्वेश्चन, फाइंड द बेस वोल्टेज करंट, तो अच्छा बेस वोल्टेज तो मैंने इस रीजन में निकाल दिया, 1 पर यूनिट आ गया, 1 पर यूनिट, ठीक है 1.0। उसके बाद अब इस चीज, इस जगह का बेस वोल्टेज निकालते हैं, इस जगह का बेस वोल्टेज क्या हो जाएगा बताओ, पहले तो बेस करंट निकाल लेते हैं, बेस करंट क्या हो जाएगा बताइए, बेस करंट हो जाएगा इस जगह का आई बेस हो जाएगा, आई बेस की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय दी बेस वैल्यू, सॉरी बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी बेस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है करंट का, करंट का फॉर्मूला होता है पावर के रिस्पेक्ट में, पी इक्वल टू वी इन टू आई, तो आई होगा पी बाई वी, यानी पी को हम एस बोल रहे हैं, एस है हमारा 10,000, और वी कितना है हमारे यहाँ पर, वी हमारा आ गया है 4800, 4800, तो ये हो गया 4800।
जिस जगह का करंट आप निकाल रहे हैं आई बेस, तो यहाँ निकल आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 4800, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको यहाँ पर जेड बेस निकालना था, तो जेड बेस हमने निकाल लिया था वी स्क्वायर बाय पी करके, तो यहाँ पर हमने आई बेस निकाल लिया है, यहाँ पर हमने आई बेस निकाल लिया। अब अगर मान लो यहाँ पर करंट निकालना हो तो यहाँ कैसे निकालते, यहाँ पे आराम से निकाल लेते 480 सॉरी 10,000 डिवाइडेड बाय 480 करते, यहाँ पर क्या करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 4800 करेंगे, और यहाँ पर जेड बेस निकल गया। आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे आई आई बेस, यहाँ पे थर्ड रीजन में कैसे निकालेंगे, यहाँ एस तो कॉमन हर जगह चल रहा है, बी चेंज हो रहा है, यहाँ पर 480 था, यहाँ 4800 था, यहाँ पे 240 है, तो अब यहाँ पर आई बेस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 240। जेड लोड, ये लोड आपको गिवन है, यहाँ पर बेस इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, बेस इंपीडेंस का वही फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, तो यहाँ का वोल्टेज हो गया है 240, तो वी स्क्वायर कितना जाएगा 240 स्क्वायर डिवाइड बाय पी यानी 10,000। तो आप ये समझ गए हो कैसे बेस वैल्यूज निकालनी, ठीक है। अब कन्वर्ट दिस सिस्टम टू इट्स पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट। अब एक बात बताइए, जब इस रीजन का जेड बेस आपने निकाल लिया, ठीक है, यहाँ का भी आपने जेड बेस निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पर तो जेड है नहीं, तो जेड बेस अगर आपके पास निकल आया है तो अब आपको 20 एक्चुअल वैल्यू कितनी है इस ट्रांसमिशन लाइन की, एक्चुअल वैल्यू है 20 प्लस 60 जे, तो 20 प्लस 60 जे एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू जेड बेस हो जाएगी पर यूनिट वैल्यू, और वो पर यूनिट वैल्यू निकल के आ रही है, आप नोट कर लो 0.0087 प्लस j 0.0026 जीरो पर यूनिट, ये आ जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही आप लोग ये सब इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करिए और मुझे बताइए इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस। अभी आपको ये समझ में आ गया, अभी हमने बस एक ए किया है और एक बी किया है, वही जरूरी था अभी तक पर यूनिट सिस्टम को समझना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये कैसे दूसरे बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है सिस्टम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा है। ठीक, थैंक यू।